कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। एक नोटिस वायरल हो रहा था और अब न्यूज में अभी आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 18 फरवरी 2024 में होगा। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, रिविजन ज्यादा से ज्यादा करिए। एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि दीदी क्या सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाएगा? और हम वीडियो देख लेते हैं, नोट्स नहीं बना पाते हैं, और अगर नोट्स बना लेते हैं तो उनका रिविजन नहीं कर पाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। एक खबर आई है अभी लखनऊ में, उसमें बताया गया है कि 18 फरवरी को होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। सिपाही के 7,244 पदों पर भर्ती यूपी में परीक्षा के लिए 6484 केंद्र बनाए गए हैं। 31,00,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है और लखनऊ जोन में सर्वाधिक 800 परीक्षा केंद्र है। तो लखनऊ जोन में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र है 800। तो परीक्षा केंद्र की सूची भी आ चुकी है। आप निरंतर मेहनत करते रहिए, 18 फरवरी 2024 को ही आपका एग्जाम होगा। बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो सकती है जब आपका एग्जाम की दूसरी डेट आ जाए। ये तो 18 फरवरी को ही पूर्ण संभावना है एग्जाम होने की, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं, नोटिस भी वायरल हो रहे हैं। तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए और प्रॉपर रिवीजन करिए। जो भी विद्यार्थी हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिनके नोट्स बने हैं, प्रॉपर सिर्फ नोट्स पढ़िए, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत पढ़िए। अगर वीडियो के चक्कर में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। निरंतर मेहनत करते रहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जो विद्यार्थी मात्र वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन भूल जाएं, क्योंकि वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो देखिए, अगर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में भी अगर नोट्स दे रखे हैं, आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो उन पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिए, तो इससे आपके दिमाग में रहेगा। और वीडियो देखने के बाद जो आप पढ़ते हैं वो थोड़े समय तक तो रहता है दिमाग में, उसके बाद आप भूल जाते हैं। तो निरंतर आप रिवीजन करिए। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जो विद्यार्थी रिवीजन नहीं करते हैं उनको फाइनल मेरिट में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार रिवीजन करिए। जितना भी आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसी का बार बार रिवीजन करिए। कोई ज़्यादा नया सब्जेक्ट ऐसा मत पढ़िए, ऐसा चैप्टर जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है और आपका मात्र टाइम खराब होगा। और ऐसे टॉपिक पढ़िए जिनके आने की ज़्यादा संभावना है। तो मैं अपने चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर वीडियो बना दी हूँ कि उसकी तैयारी कैसे करें, वो आप लोग देख सकते हैं। और निरंतर तैयारी करते रहिए। और अब ये लास्ट समय है आपकी अपनी तैयारी को जांचने का और उसे और व्यापक रूप देने का। तो अपनी तैयारी जांचने के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, 2 से 3 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी अग्रवाल एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अग्रवाल एग्जाम प्रैक्टिस सेट मैंने मंगाया था, इसमें 12 सॉल्व पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। ये काफी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप लोग ले लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आए हुए, उसमें क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। तो 12 सॉल्व हैं और 10 अनसॉल्व हैं, तो आप लोग ले। और इनकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है, पर्सनली मैंने देखा है। जो विद्यार्थी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं वो अग्रवाल एग्जाम क्राफ्ट की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में 2009 से 2020 तक के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आए हुए 18 पेपर में से 3200 प्लस मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप लोग इतने प्रश्न लगा लेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हंसने की संभावना है। तो ये PYQs हैं और जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दे रखे हैं कि कौन से चैप्टर के कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग ये बुक भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक है। तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम 18 फरवरी 2024 को होगा। निरंतर मेहनत करते रहिए, हिम्मत मत हारिए कि हमारे पास कम समय है, आपके पास एक अच्छा मौका है। ये मौके बार बार नहीं मिलते। जितना भी समय आप पूरा पढ़ाई को दीजिए, एक्स्ट्रा कहीं भी मत जाइए, कोई भी पार्टी फंक्शन अटेंड मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। तो अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।